यदि आप इस जीव को रेगिस्तान में कहीं पर देखें तो इसके पास ना जाएं और तुरंत यहां से दूर भाग जाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग रेगिस्तान में हुई सबसे खौफनाक और रहस्यमय घटनाओं को देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले इस विचित्र जीव को देखो। इसे मंगोलियाई डेथ वर्म कहा जाता है, जिसे आप रेगिस्तान में देख सकते हैं। इससे जितना हो सके दूरी बनाए रखे, क्योंकि इसके संपर्क में आने पर आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं। ये विशाल लाल रंग के रेंगने वाले कीड़े होते हैं जो रेत के नीचे छिपे होते हैं और अचानक से बाहर निकलकर आप पर हमला कर देंगे। इनके काटने के कारण आपको तेज जलन होगी और जहां पर आपको काटा है वहां पर एक बड़ा घाव दिखाई देगा और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और अगर आपकी किस्मत खराब है, अगर आपको समय पर इलाज नहीं मिला तो आपकी मौत भी हो सकती है। यही कारण है कि इस कीड़े को रेगिस्तान का दानव भी कहा जाता है। ये कीड़े गोबी रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जो कि एक विशालकाय रेगिस्तान है। चीन और मंगोलिया में ये कीड़े दुर्लभ है। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि ये कीड़े जहर उगलने वाले कोबरा के समान है। ऐसा माना जाता है कि ये जहर पहले लकवा मारता है और फिर शिकार के जीवन को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। एलियन स्कल्टन। साल 2003 में कुछ लोग चिली के अटाकामा रेगिस्तान में पैदल यात्रा कर रहे थे, तभी उन्हें रेत में ये विचित्र कंकाल मिला। कुछ लोगों ने कहा कि यह मानव कंकाल हो सकता है, जबकि कुछ ने इसे एलियन का कंकाल बताया। ये 6 इंच लंबा है लेकिन हड्डियां बहुत मैच्योर है। हड्डियों के आधार पर यह माना जाता है कि यह प्राणी 6 से 8 साल का था। और अगर मान लिया जाए कि ये एक इंसान है तो इसकी खोपड़ी लंबी कोणीय कैसे हो सकती है? इसमें एक और अजीब बात यह है कि इस कंकाल में 10 फसलियां थी, जबकि इंसानों में 12 फसलियां होती है। अटाकामा कंकाल धरती पर विदेशी जीवन का प्रमाण है। इस कंकाल का एक विश्लेषण किया गया और यह बताया गया कि इसमें कुछ मानव डीएनए है, लेकिन इसमें दर्जनों अनुवांशिक असामान्यताएं भी पाई गई जिन्हें इससे पहले कभी किसी इंसान या जानवर में नहीं देखा गया, और इसी कारण कुछ लोगों ने इसे बाहरी दुनिया का प्राणी बताया। इस कंकाल के पाए जाने के 2 दशक के बाद भी बहस जारी है कि आखिर वो क्या है और कहां से आया। अब चलिए एक चुड़ैल का भयानक वीडियो देखते हैं। आप सोच सकते हैं कि चुड़ैलें केवल कल्पनाएं होती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको चुड़ैलों पर विश्वास हो जाए। यह वीडियो कुवैत से आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धार्मिक कारणों से कुवैत में जादू टोना अवैध है। साल 2014 में अलमुतला रेगिस्तान से गुजरते समय एक गाड़ी के डैश कैम में ये खौफनाक वीडियो कैद हो गया। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग भयभीत हो गए। ड्राइवर इंजन की आवाज बढ़ाकर चुड़ैल को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद चुड़ैल तेजी से आगे बढ़ती है और ड्राइवर को डराने की कोशिश करती है। आइए अब रेगिस्तान में पड़े हुए लड़ाकू विमानों को देखते हैं। इन लड़ाकू विमानों की कीमत तकरीबन $40 मिलियन है, लेकिन आखिर क्या कारण थे कि इन्हें भूमि के अंदर दफन किया गया जबकि वो अच्छी तरीके से काम कर रहे थे? साल 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। अमेरिकी सैनिकों की नजर जमीन में कुछ बाहर निकले हुए अवशेषों पर पड़ी और जब इस जगह की खुदाई की तो वहां पर 30 से अधिक लड़ाकू विमान निकले। ये MiG-25 थे जो कि अभी भी काम कर रहे थे। इन्हें इसलिए दफन किया गया क्योंकि इराक के नेता सद्दाम हुसैन ने सोचा था कि उनकी सेना अमेरिकी वायुसेना के आगे नहीं टिक पाएगी, और अपने इन विमानों की सुरक्षा के लिए उन्होंने इन सभी विमानों को छुपाने का फैसला किया ताकि उन पर बमबारी ना की जा सके। लेकिन साल 2011 में अमेरिका ने इराक में वैसे भी युद्ध जीत लिया। डेजर्ट ब्रेथ। एक इंजीनियर गूगल अर्थ पर मिस्र के रेगिस्तान को देख रहा था, तभी उसे यह विशाल सर्पिल पैटर्न देखने को मिला। यह रेत 1 मिलियन वर्ग फुट के क्षेत्र को कवर करती है। यह 2 विशाल सर्पिलों से बनी हुई है। आकृति वास्तव में रेत के शंकुओं से बनी है। एक सर्पिल में शंकु जमीन से निकलते हैं जबकि दूसरे में कंघे होते हैं जो जमीन के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इसे किसने बनाया? वास्तव में यह 1997 में 3 ग्रीक कलाकारों द्वारा बनाया गया था। यह आकृति यह दिखाने के लिए था कि रेगिस्तान वास्तव में कितना विशाल था। कुछ लोग इसे एलियंस के साथ भी जोड़ते हैं। जायंट हैंड। आइए अब एक विशाल हाथ को देखते हैं। लेकिन चिली के रेगिस्तान में आखिर यह कर क्या रहा है? और इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद हमें हाय हेलो बोल रही हो, लेकिन दरअसल ये एक मूर्ति है जिसका नाम है मनो डेल डेसियर्टो और इसका अर्थ है रेगिस्तान का हाथ। साल 1990 में चिली के कलाकार द्वारा इसे बनाया गया था। हालांकि दुख की बात यह है कि कुछ लोगों ने इसे नष्ट करने का प्रयास किया। ये मूर्ति थोड़ी बहुत विकृत भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसे देखने पर ये एक अद्भुत कलाकृति नजर आती है। डेजर्ट जायंट।
साल 1998 में इस रेगिस्तान में एक विशालकाय आकृति को देखा गया। एक हेलीकॉप्टर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उड़ रहा था, तभी उसने जमीन पर खुदी हुई एक आदमी की विशाल आकृति देखी। वास्तव में यह 2.5 मील की लंबाई में फैली थी। इसमें एक आदिवासी व्यक्ति को भाला ले जाते हुए देखा जा सकता है। हेलीकॉप्टर का पायलट इसे देखकर काफी आश्चर्यचकित हुआ। स्थानीय आदिवासियों का मानना था कि ये उनके आराध्य की जगह है। इस आकृति की 14 इंच गहराई तक खुदाई की गई थी, यानी कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसे खोदा और इस आकृति को बनाया। हालांकि बाद में सरकार ने ये घोषणा की कि इसका पता लगाने वाले को $5,000 का इनाम दिया जाएगा, लेकिन जिसने भी इसे बनाया आज तक कभी उसका पता ही नहीं लग पाया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।